हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, जो कि लीक होने की वजह से पोस्टपोन हो गया था, कैंसिल हो गया था, उसका एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप जो है एक बार प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इनका इन क्वेश्चंस का सलूशन आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, UPSSF का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या है इसका, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं देखने वाले हैं, आप लोग आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और एक अलग वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो असम, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पे देखेंगे विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, नई मुद्रा, ठीक है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, समेकित, कृषि भूमि, बाघ भूमि और धृति, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे सोर्सिंग, लोसिंग, चीटिंग एंड फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा से आपको जो पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, टका किस देश की मुद्रा है, तो ये सभी लोगों को पता है टका किसकी है, बांग्लादेश की है, ये आपको याद रखना चाहिए। पड़ोसी देश की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए और वहाँ की भाषा क्या है वो भी याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है, ऑप्शन क्या दिया गया, GST एक एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, GST एक गंतव्य आधारित कर है, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यहाँ पे देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, तो सबको पता है कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI की मुख्यालय की आधारशिला रखी है, तो अमूल का जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहीं पर आनंद, गुजरात में आनंद एक स्थान है वहाँ पर ही आधारशिला रखा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, तो इसका क्या आंसर है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है, तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है, इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, कोलंबो, श्रीलंका, माले, मालदीव, जेबेल अली बंदरगाह UAE और मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश, ठीक है। तो आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में भी आपको विशेष जानकारी रखनी होगी। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे, तो सबको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया है
नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के लिए इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? कुमार, गधा, पलंग, पीला, नव्य, स्वर्णकार, डंडा और नाक। तो यहाँ पे देखेंगे जो नव्य है, स्वर्णकार है, ये दोनों जो है तत्सम शब्द हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन, ये तो आपको याद ही है नलिन, ठीक है, तो नलिन किसका है? कमल का है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर, ठीक है, ये इधर आपका पूर्व है, ये उत्तर है, इधर क्या है? दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी दिशा होती है? तो ईशान दिशा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? यहाँ पर देखेंगे प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा यथार्थ, वर्ण, वर्ण, रंग, खाओ, ससधर और शशिधर, ससधर चांद और शशिधर शिव, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? वह ऑफिस में बैठा कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, 10:15 हैं, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी गलत है, लड़के अध्यापक से परेशान पूछते हैं, 10:15 हैं या फिर 10:15 कम है, वो ऑफिस में बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये सब गलत हैं, ये आपका सही है, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द का चयन करना है, ये क्या है? उसने पराधीनता स्वीकार कर ली, अजवायन, ये भी स्त्रीलिंग है, मुद्रिका, मुद्रा अगर होता तो पुलिंग होता, मुद्रिका जो है पुलिंग, ये जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे क्या है? विहार, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एकवचन में होता है? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, सोना, तो इसका कोई मटेरियल होगा एकवचन में ही उसका उपयोग होता है, तो सोना जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे वैसे ही देखेंगे संबोधन हो रहा है, हे ईश्वर, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव इसमें देखेंगे कौन सा है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, तद्भव कौन सा है? ताप है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, अभिभाषण, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो लास्ट में लगता है तो प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अभिभाषण, तो ये भाषण पूरा परफेक्ट शब्द है, इसके पहले अभी लगा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें जो उपसर्ग क्या लगा है? अभी। एक बार और बता दूँ कि जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जवाब में लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। रक्त रंजित में कौन सा समास है? रक्त रंजित में कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है रक्त रंजित में। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मदिरा, मदिरा प्लस आलय, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय, मदिरालय का जो है शब्द, ये जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को जानते हैं निर्देशक चिन्ह से, निर्देशक चिन्ह से, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह। सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ? तो आवृत्ति बोधक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति बोधक विशेषण। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसने क्या किया, चिट्ठी लिखवाई, मतलब लिखवाया गया किसी दूसरे के द्वारा, अपने द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये हो जाएगा प्रेरणा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 31, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है?
तो अभी आप मैंने आपको बताया कि जो लास्ट में लगते हैं वो जो है प्रत्यय हैं, जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो जो है उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे देखिए चिल्ला दिया गया, ये भी दिया है, तो ये तो आपका स्टार्टिंग वाले दे रहे हैं। अब इसमें से आपका कन्फ्यूजन है तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आप लोग बताएंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्तृवाच्य, ठीक है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन क्या है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, आक्रमण करना, धाक बैठाना और व्यर्थ काम करना। तो ये जो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही होता है, तिल का ताड़ बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना, दोनों सेम ही टाइप के मुहावरे हैं। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे, इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जान चली जाए पर पैसा न जाए, पैसे का बहुत मोह होना, अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किसका है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन क्या कह दिया कि वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अगर भयानक होता है तो विभत्स रस होता है, ठीक है। वीर रस जो है वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ उपसर्ग में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ये जो है आपका भागना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, भाग शब्द का बाकी हिस्सा, बांटना, ब्याज, तीनों में होते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल क्या है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम है भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं है, नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे। तो ये सारे आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से और इन्हीं के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका गद्यांश पढ़ के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार इसको यहाँ पे स्क्रीन शॉट आप लोग लेके अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका कंप्लीट जो है गद्यांश ये दिया गया है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि उपयुक्त शीर्षक देना है गद्यांश का जो है, उसको गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी साहित्य। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो ये जो है सुशिक्षित, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते, ठीक है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत एकनाथ, संत रैदास, संत तुकाराम, संत नामदेव, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
संत रैदास की जो शिष्य थी वो कौन थी? मीराबाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन भी क्या है? अवधी, भोजपुरी, बांग्रा और राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो जो निषेधावाचक है, ठीक है, निषेध मतलब नकारना किसी भी चीज़ को, तो नहीं शब्द जो है इसी का जो है क्रिया विशेषक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये रत्नाकर है। समुद्र का क्या है? रत्नाकर। मेघ मेद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघ मेद, तो मेघ मतलब बादल होता है, तो देखेंगे बादल इन दोनों में है। मेद मेद मतलब होता है यज्ञ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो नायिका, गायिका, नर्तकी, तो ये अभिनेत्री हो जाएगी। ये तो आप लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट जानते ही होंगे। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? 17.28 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 3.6 इंटू 0.2, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या करेंगे? इसको 17.28 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्स को इधर ला देंगे, यहाँ पे 3.6 इंटू 0.2 इंटू 2 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया? निम्नलिखित समीकरण से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 55072.19 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक्स रख देंगे, ठीक है, तो इसमें से इसको आपको माइनस करने हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप यूनिट प्लेस पे अगर देखें तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्जाम्स में जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको कम समय लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है। दो संख्याएँ 13 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एच सी एफ 13 है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, ठीक है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा 169। यहाँ पे देखिए, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 40 और 57 का। तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या कितनी है? 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या है जो कि 48 है का 2/3 है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया आपको। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष के कम आयु के हैं, यानी कि 100 में से जो 20 छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, लेकिन बाकी 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, यानी ये 20% कितना दिया है? 48 है, इसका 2/3 है, ठीक है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम अलग वीडियो में सॉल्व कराएंगे, या पहले आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि जिससे आप लोग अपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी सोल्यूशन के लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग परेशान मत हों। नेक्स्ट, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि उसे 17 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 19 से डिवाइड किया जा रहा है तो कितना, 119 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को तो 19 शेष बचता है, लेकिन उसी संख्या को हम 17 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष बचेगा? तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये जो शेषफल आ रहा है 19 को ही 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 कम 17 हो जाएगा, बचेगा 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस संख्या या फिर जो इस संख्या में डिवीजन किया जा रहा है उससे कोई मतलब हमें नहीं है, ये जो शेषफल बच रहा है उसी को हमें, ये जो दी गई संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 58 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कोशिश करिए थोड़ा लास्ट में ही करें CISI के, क्योंकि ये थोड़ा आपके क्वेश्चन जो है फंसा देता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा बताना है आपको। तो जितना जो मतलब इन्वेस्ट किया है, पी की पूंजी क्यू का 2 गुना है, पी बराबर कितना है 2Q है, पी की पूंजी का 2 गुना, ठीक है, 2P = क्यू की पूंजी का 3 गुना है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, 2P = 3Q और क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना है, Q = 4R। इस टाइप से आप पी क्यू और आर में जो रेशियो निकालेंगे उसी रेशियो में हमें जो है ये प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। 6 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिए, औसत के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है। इनमें 2 का औसत जो है 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत कितना दिया गया 3.55। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, क्या पूछा गया था कि यहाँ पे क्या एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25% करेक्ट आंसर। आप लोग थोड़ा सा इसको वेरीफाई जरूर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सीरीज दिया गया 26, 20, 14, 8, ठीक है, यानी कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है। और यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, तो यहाँ पे भी -6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। इस टाइप का यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे तो 21वां पद आपको बताना है, तो ये माइनस में है, ये आपका आना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -94। ये जो है AP सीरीज बन रहा है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस जो है आपका -6 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A+(n-1)×D लगाना है, ठीक है। तो पहला पद आपको पता है 26, n पता है, 21वां पद आपको बताना है, D पता है -6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसमें पुट करके, क्या करना है इसमें D की वैल्यू केवल माइनस में रखनी है और A जो है आपको 26 लेना है, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 13.86 हेक्टेयर, 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 m² आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सोल्यूशन हम अलग वीडियो में इसका देखेंगे, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें पहले इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, स्पीड आपको दिया गया है 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, यानी कि ये जो है वर्गाकार है, तो इसको कितना टोटल दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर इसको दौड़ना पड़ेगा। 100 मीटर में दौड़ने के लिए ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना समय इसमें लगने वाला है, क्या करना है उसको मीटर पर सेकंड में पहले उसकी स्पीड को कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे क्या दिया, 4 लड़के 6 लड़कियाँ एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियाँ उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़कियाँ सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है। तो टाइम ओवर वर्क से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। यहाँ पे देखिए DI से क्वेश्चन आपको पूछा गया, बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में किया गया है, 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 लाख, 2004 में 50 लाख, 2005 में 70 लाख, 2006 में 55 लाख, 2007 में 80 लाख और 2008 में 85 लाख। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर दिया गया 2005 और 2006 का औसत उत्पादन जो है निम्नलिखित में से 21 वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बराबर है, यानी कि 2005 और 2006 का आपको औसत लेना है, 70, 5, 120, 125 आ रहा है, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि नीचे दिए किन वर्षों के औसत के बराबर है, ठीक है, किस वर्षों के जोड़े के औसत के उत्पादन के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बहुत आसानी से आप लोग टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो 2001 में जो प्रोडक्शन हुआ है और 2008 में जो प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि 2008 में जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 2001 का माइनस करना है और डिवाइड करना है 2001 से, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा करीब 183.33% की वृद्धि आएगा। दिए गए प्रश्नों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। तो ये सारे डेटा से बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो में इन सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन 2003 से 2004 तक जो है मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, पुरुष वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या बतानी है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, ठीक है। तो वृद्ध किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आयत, यानी कि आयत से बाहर निकालना है, और स्वस्थ हैं, स्वस्थ किसको दर्शाता है, वृत्त ठीक है पुरुषों को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है स्वस्थ को। तो ये आपका तीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि प्लस का अर्थ भाग है, और भागा का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है, और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, आप लोग कर पाएंगे आसानी से, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दर्पण यानी कि यहाँ पे आपका मिरर है, तो ये नीचे वाला पोर्शन नीचे ही रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे उधर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सही और अच्छी तरीके से समझाता है, हस्बैंड फैमिली वाइफ, तो फैमिली के अंदर जो ही हस्बैंड और वाइफ आ जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 76 अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को क्रमिक रूप में रखने पर इसे पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, 8, 23, 38, 53, 68, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर जो है माद में रहता है तो खरगोश किस में रहता है, खाई, गड्ढा, बिल, छिद्र, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाइन, यहाँ पे देखेंगे बी पी एम एन सी क्यू एन ओ जी टी पी एल, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको आकृति दिया गया, इसमें आपको काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है जिसके बाद चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया गया है यहाँ पे, तो माइंड बना सकते हैं, यहाँ पे रेशन बना सकते हैं, स्टेशन भी बना सकते हैं, ए वाला ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, एम आई एन आई एस टी ई आर, क्यों, क्योंकि मिनिस्टर में ई सब ई जो है लेटर आया है और इसमें कोई भी ई लेटर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांक के चार तर्क शामिल किए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जितना तेज़ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन इनको सॉल्व कर पाएंगे आपको, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा करके जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको, यही क्वेश्चन जो है बच्चों के टाइम ज़्यादा वेस्ट करा देते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है और एग्जाम में क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि छोड़ के नहीं आना, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देख लें और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनका अलग से हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574। यहाँ पे दिया गया मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कोट में संडे को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। श्याम उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से अपनी दाई ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है जो ऑप्शन लगे हुए हैं ये राइट हो, ठीक है। आप अपने सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विष छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे तोड़फोड़, उत्पीड़न, दुख, परेशान, तो तोड़फोड़ जो है इसमें ऑड है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे छठवें को बदल दिया जाता है और सातवें नौवें को बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई कितनी एंगल घूम चुकी होगी, तो इसका आपका हो जाएगा 125 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है और राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है और रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इसमें से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत को दर्शाता है, तो भारत में गुजरात आ जाएगा, गुजरात में सूरत आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, डी नहीं होगा इसका, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 120/3 + 8 × 3 − 40 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नीचे दिए गए आकृति में अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षित नर्सों को दर्शाता है रेक्टेंगल, वृत्त दर्शाता है विवाहित जनसंख्या को और त्रिभुज दर्शाता है अस्पताल में जो नर्स हैं। फिर यहाँ पे देखिए घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें दिए गए शब्द का उपयोग करके बनाया जा सकता है, किसका जो है किसको हम बना सकते हैं इसका उपयोग करके, तो मेजरमेंट दिया गया है तो मेंटल, तो यहाँ पे देखिए एल नहीं है तो इसको नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे डबल एम है तो डबल एम तो उसमें भी है, ठीक है। इसमें आई दिया गया है जो कि इसमें नहीं है तो ये भी नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते। एस योर, यहाँ पे देखिए डबल एस लगा गया है, इसमें कहीं डबल एस नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिट्यून्स हम बना सकते हैं मेजरमेंट की मदद से। यहाँ पे एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें पे और दाएं से 19वें हैं, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो इसको आप टोटल जोड़ लेंगे हो जाएगा 36 − 1 कर देंगे तो यह 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक वैज्ञानिक
एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। ये जो है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं, टाइम लगेंगे इन क्वेश्चंस में। तो रीजनिंग वीजनिंग में जितने क्वेश्चन जितने समय आप बचाएंगे उतनी ही आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। पता लगाएं आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, ये टुकड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सी आकृति आप बना सकते हैं, खुद से कोशिश करिए। चार विकल्पों में से पता लगाएं पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने के बाद कौन पैटर्न जो है दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे दिए गए यहाँ विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब से मिलता जुलता है, इसमें से कौन सा जो है दर्पण दर्पण प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखें कि ठीक है क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी वही लगते हैं जिसमें जो है डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून कौन है। तो ये आपका चिल्का है जो कि उड़ीसा में है, लोनार आंध्र प्रदेश में है, लोनार जहाँ महाराष्ट्र में है, और खोलेरी लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सूर्य प्रकाश कितने रंगों से मिलता है, तो ये 7 से बना है, विविगोर से आपको याद हो। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आप याद रखेंगे। 1946 में भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद से सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रयाग जो कि टेम्प्ररी थे, प्रयाग प्रशस्ति किस रचना के, तो ये हरिश्चंद्र ने लिखा है और पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में जो है लिखा, ये समुद्रगुप्त के राज्य में जो है लिखा गया था। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटी कल्चर कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं, और ये कहाँ पे हैं, तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो आपको सबको पता है पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। सोनपुर मेला बिहार में लगता है, सबको पता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे 137 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, तो यह है आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के। ठीक है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है, तो ये कालिदास की रचना है कुमार संभवम। नेशनल ये जो है नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये शहरीकरण कहा जाता है। और हम लोग क्वेश्चन पेपर के एंड में आ चुके हैं, अब ये जो है आपका टोटल 7 क्वेश्चन और बचे हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो चमकीले बर्तन के लिए भदोही जिला जो है प्रसिद्ध है। कौन सा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, तो बरगद है। सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये बलिया जिले में है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए है, तो ये लिंक्डइन है। नेक्स्ट देखें मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो भगवान कृष्ण का। इसका क्वेश्चन का आंसर सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखेंगे अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो सिकंदरा में ही है, आगरा में सिकंदरा स्थान पे है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से किया था, तो यानी बेसेंट के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इन क्वेश्चन के सोल्यूशन भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। थैंक यू।